एक आंगन से दूसरे आंगन में घूरकर वो अपना जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हैं। लोगों को जीने के लिए उनको घूमना जरूरी है, उनको आसपास में जाना अच्छा लगता है। जितने भी लोग हैं सभी को घूमना पसंद है। अभी हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम उपस्थित हैं महेशपुर प्रखंड के जो बाजोपाड़ा है लखीपुर, तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे सामने देखिए एक विकलांग हैं जिनको हम जिनका समस्या को जानने के लिए आए हैं आज यहाँ पे। लेकिन यहाँ आप हम अभी देखेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं और सरकार इनको क्या क्या लाभ दे रही है और क्या लाभ ऐसा है जो इनके पास तक अभी नहीं पहुंच पाया है। क्या क्या लाभ मिला है आपको सरकार की तरफ से? कुछ भी लाभ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं, पैसा वगैरह मिलता है? पैसा मिलता है। कितना मिलता है आपको? 1000 रुपये। 1000 रुपये महीना में? हाँ। अच्छा, आपको वो जो 3 पहिया वाहन है वो गाड़ी मिला है आपको? गाड़ी हाँ मिला है, तो 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया, क्या पुराना हो गया है? पुराना। तो चलाते हैं उसको आप? नहीं चलाते, ठीक से नहीं चल पा रहा है गाड़ी। तीन साल पहले मिला था? हाँ। अच्छा, जो यहाँ जो सरकारी लाभ है और भी बहुत सारा लाभ आता है, हाँ। तो वो सब में कुछ भी आपको मिला है? नहीं मिला है। वो कुछ भी नहीं मिला नहीं। है। अच्छा, जैसे कि आपका यहाँ घर में, जैसे कि आपका टूटा फूटा घर है, हाँ। तो घर को लेकर अभी कभी बोले हैं आप मुखिया को? या मुखिया को बहुत बार बोले हैं, तो बोले नाम भी लिस्ट भी नाम नहीं आया है, तो कैसे देंगे घर में? 5000 रुपये दीजिए, कर देंगे। 5000 रुपये मांग रही है आपसे? हाँ। कौन, मुखिया? मुखिया। क्या नाम है मुखिया का? स्वागिनी हेम्ब्रम। स्वागिनी हेम्ब्रम नाम है। तो क्या 5000 रुपये आपसे मांग रही है? हाँ, एक बार दिए थे 200, तो कैसे बोल रहे थे, तो हम नहीं दे पाए पैसा, तो कैसे देंगे, घर कैसे मिलेगा? कब गए थे आप उसके पास? 3-4 दिन हो गया है। 3-4। अच्छा, और जैसे कि आप ब्लॉक में कभी गए हैं कि हाँ मेरा गाड़ी पुराना हो गया है, नया गाड़ी देने के लिए? हाँ, बोला गए थे, तो वो लोग बोले अभी नहीं होगा, कर्मचारी भी नहीं है, CSI भी नहीं है, तो कैसे? मतलब ये सरकार इनको सिर्फ महीना में 1000 रुपये दे रही है और 1000 रुपये में ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही इनका कोई 3 पहिया वाहन नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे, देखिए कि ये पुराना वाला, ये जो है पुरानी गाड़ी है, लगभग देख सकते हैं इसको, आप देखकर इसका स्थिति आपको पता चल जाएगा। इसके चारों तरफ की जो ये है आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये खराब हो चुकी है। अखिल के साथ सूरज कुमार।